Na bersani.
Mag ik een beetje ruimte om te gaan? Als je die naar deze kant schuift, een beetje gaan even Hare Krishna. Bala Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama. महामंत्र कीर्तन कभी ये सर्वश्रेष्ठ कीर्तन है, जितने सारे कीर्तन है। जैसे अभी ये गा रहे थे राधे, क्या कृष्णा बरसाने आ जाए, कृष्णा बरसाने में आ जाइयो,
ये जो भजन है ना ये ठीक है लेकिन पूरा ठीक नहीं है। इस चीज को समझो, कहते ये भजन ठीक है लेकिन ठीक होने पर भी कहते ये भजन पूरा ठीक नहीं। बोले क्यों पूरा ठीक नहीं? कहते हम लोग जो है ना इस चीज को अच्छे तरह से समझो, कहते हम लोग रूपानुगो गौरी वैष्णव, हम लोग श्री रूप गोस्वामी की धारा में हम लोग आए। कहते जो रूप गोस्वामी की धारा में आए हैं, देखो तीन तरह का गोपियां हैं। कुछ गोपियां तो राधा जी की पक्ष में है, कुछ गोपियां कृष्ण का पक्ष में है, और कुछ गोपियां राधा कृष्ण दोनों पक्ष में। कुछ अच्छे तरह से समझो, मैं बाद में फिर पूछूंगा तो नहीं बोल पाएगा ना, इसको बीच में खड़े कर दूंगा फिर। ई ट्राई अंडरस्टैंड वेरी नाइसली, नो यू आर रूपानुगो गौड़ीय वैष्णव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रूपानुगो गौड़ीय वैष्णव। सो गुरुदेव ही एक्सप्लेन दिस थिंग, व्हाई दिस कीर्तन इज द रंग, व्हाई दिस कीर्तन इज द ओके बट इज द कंप्लीट नॉट ओके, लिटिल बिट देयर सम रंग। बोलो व्हाई, किस लिए वो कीर्तन एकदम पूरा ठीक नहीं? हम लोग कहते तीन तरह का सखियाँ हैं, कुछ कृष्ण पक्षियाँ है, कुछ राधा रानी की पक्ष है, और कुछ दोनों पक्ष में, राधा और कृष्ण दोनों पक्ष में कुछ गोपियां हैं। लेकिन हम लोग जो रूपानुगो गौड़ीय वैष्णव है, हम किसकी पक्ष में हैं? कहते श्री राधा रानी की पक्ष में। राधा रानी की सुखी में सुखी और राधा रानी का दुखी में हम दुखी, ये चीज अच्छी तरह समझो, बाद में फिर पूछूंगा। कृष्ण कहते हम कुछ राधा जी की सुखी में सुखी, अगर राधा कृष्ण दोनों पासा खेल रहे हैं ना, अगर राधा रानी जीत गई बस हम लोग ताली बजा देते हैं। अगर कृष्ण अगर जीत गया ना, लेकिन राधा रानी पक्षे में जो गोपियां का सर नीचे हो जाता है। बोले क्यों? बोले हमारी किशोरी जी राधा रानी हार गई, हाँ कृष्ण जीत गए, इसलिए जो कृष्ण की सुख में राधा जी की सुख में सुखी और राधा जी की दुख में जो दुखी, कहते ये रूपानुगो गौड़ीय वैष्णव, ये रूपानुगो लाइन में आने वाले हैं। इसलिए इस भजन में कहते हैं, कहते राधे क्या भजन है बोलो, हाँ कान्हा बरसाने में आ जाइयो, कान्हा बरसाने बुला रही राधा प्यारी। कहते राधा रानी तुम्हें बुला रही है, श्याम सुंदर तुम कहाँ आ जाओ, तुम बरसान में आ जाओ। कहते ये सही नहीं, नहीं कृष्ण बुला रही है, राधा रानी नहीं बुलाती है। अब देखना सब जगह पर कहीं अगर राधा रानी मान करती है ना, कृष्ण जाकर के मनाते हैं। कभी कृष्ण मान की और राधा रानी जाकर मना रही है, ये कभी सुनने को नहीं मिला है। राधा रानी मान करती है, कृष्ण जाकर के मनाते हैं। इसलिए बोले गरज किसको है, बोले जरूरत किसको है, बोले जरूरत राधा रानी की नहीं, जरूरत कृष्ण की, कृष्ण की जरूरत है राधा रानी की नहीं। इसलिए कहते प्रेम का दो लक्षण है, कितना लक्षण है प्रेम की, कहते दो लक्षण है। बोले क्या किया है? बोले सांद्र नांदा विशेष आत्मा श्री कृष्ण कर्षण चसा, ये प्रेम का दो लक्षण है। प्रेम 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 का प्रेम बते अभी तुम्हें पूछूंगा, मैं जो बोल रहा हूँ बाद में तुम रिपीटेशन करना, ठीक है? तो प्रेम की दो लक्षण हैं, ये रूपानुगो का मतलब क्या होता है। इसलिए प्रेम का पहला लक्षण है, जैसे दूध को आप गर्म करो, जैसे दूध को गर्म करते 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 दूध एकदम गाढ़ा बनी जाती है। राबड़ी कभी खाए हो? कौन कौन राबड़ी खाए हो? राबड़ी किसको कहते हैं? जब दूध गर्म करते 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 एकदम घना बन जाता है ना, उसको राबड़ी कहते हैं, उसका राबड़ी कहते हैं। इसलिए जैसे दूध, उसी तरह जो भक्ति गाढ़ा होते 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 एकदम भक्ति जब गाढ़ी बन जाती है ना, हाँ जैसे उसमें बड़ा टेस्ट आता है, कहते उसी तरह कहते ये प्रेम गाढ़ी बनते बनते जब राबड़ी बन जाती है, कहते ये एक लक्षण है। मतलब इतने आनंद, उसको इतने आनंद भक्ति में आता है जो सोच भी नहीं सकते हो। बोले दूसरा लक्षण क्या है? बोले श्री कृष्णा कर्षण जैसा, जैसे एक फूल खिल जाने पर ये फूल भौंरा को पास में नहीं जाता, भौंरा ये फूल को पास में आता है। कहते भौंरा ये फूल को पास में आता है। कहते उसी तरह कहते भक्ति रूपी जब कमल फूल खिल जाएगी, हृदय में जब भक्ति तुम्हारी जागृत होगी ना, भक्त
भक्त भगवान को पास में नहीं जाता है, भगवान भक्तों को पास में आते हैं, भगवान भक्तों को पास में आते हैं। इसलिए राधा रानी कहती ये कौन है, बोले प्रेम की चरम सीमा श्री राधा रानी। जब राधा जी के हृदय में ऐसे प्रेम है ना, जब तक राधा रानी मान करेगी जब तक, तब तक कृष्ण कहीं नहीं जाएंगे, कृष्ण तब तक राधा जी को पास में रहेंगे, हर समय राधा जी को पास में रहेंगे, मनाएंगे। इसलिए कहते रूपानुगम मतलब होता है राधा रानी कृष्ण को पास में नहीं, कृष्ण राधा जी को पास में आते हैं, हैं? कृष्ण राधा जी को पास में हर समय आते हैं, राधा रानी कृष्ण को पास में नहीं जाती। कहती ये भक्ति की एक विशेष लक्षण, भक्ति की एक विशेष लक्षण है। इसलिए जिसका जो जरूरत जो गरज है कृष्ण को है, राधा रानी को नहीं। राधा रानी तो प्रेम स्वरूपिणी, भक्ति स्वरूपिणी श्री राधा रानी। इसलिए यहाँ पर राधा बरसाना में बुला रही नहीं, श्याम नंद गाम में बुला रहे, आ जा बरसाने बारी, कृष्ण बुला रहे, राधा रानी नहीं, कृष्ण बुलाते हैं, बोले हे राधे तुम कब आओगे, हे राधे तुम कब आओगे। हाँ, राधा रानी को बुलाती हैं, कृष्ण बुलाते राधा रानी को, राधा रानी कृष्ण को नहीं बुलाती हैं, कृष्ण बुलाती हैं। क्यों? राधा जी के अंदर में प्रेम है, जिसके अंदर में प्रेम होगा ना, वो जैसे गोपियां कृष्ण को पास में नहीं जाती थी, कृष्ण गोपियों के घर में आते थे मक्खन चोरी करने के लिए, लेकिन गोपियां कृष्ण को पास में नहीं जाती थी, वहां पर कृष्ण की गोपियां कृष्ण गोपियों के घर में आते थे, हैं गोपियों के घर में आते थे। इसलिए गोपियां कृष्ण को नहीं बुलाए, कृष्ण जैसे बंसी बटक नीचे कृष्ण बंसुरी बजाए, किसको बुलाए, गोपियों को बुलाए। गोपियां कृष्ण को कभी नहीं बुलाती हैं, कृष्ण गोपियों को बुलाते हैं, क्योंकि भक्ति की ये महानता है। इसलिए इसको कहते हैं रूपानुगम। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, कहते जितने भजन में, ये चीज को अच्छे तरह से समझो, बोले जितने भजनों में ये हरे कृष्ण महामंत्र ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। कलिजुग में जो हरिनाम संकीर्तन ही, कलिजुग में एक ही उपाय है, कहते भगवान के नाम को सुमिरण सुमिरण करते करते जीव भवसागर से पार हो जाते हैं। जैसे देखो, जैसे भजन गाए, बोले कृष्ण राधा बर, क्या कृष्ण बरसाने में आ जाए हो, कृष्ण बरसाने में आ जाइयो, बोला रही राधा प्यारी। देखो इसमें कितना अक्षर, कृष्ण बरसाने में आ जाइयो, बोला रही, इसमें कितना बार नाम आया बताओ, केवल दो बार आया। ये इस चीज को समझो, इतने बड़े दो लाइन, इतने दो लाइन में केवल एक बार कृष्ण का नाम आया और केवल एक बार राधा जी का नाम आया, केवल दो बार नाम आया। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 16 बार, एक बार जो इसमें भगवान के नाम के अलावा जो है ही नहीं, इसमें पूरा महामंत्र में प्रभु का नाम ही नाम है। इसलिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान के स्वामी महाराज कहते थे, जो बंगाल में ना वहां जो कीर्तन हरे कृष्णा हरे कृष्ण ऐसे ऐसे कीर्तन करते पूरा लंबा लाइन, तब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे तुम जब हरे इतना समय चला गया, उसमें तो 10 बार नाम आ जाता उसमें भगवान के नाम कितना बार आ जाता, लेकिन तुम हरे जो इतना समय जो बर्बाद किया है इतना समय तुमने जो बर्बाद किया है वो, उसमें तो हरे कृष्ण कितना नाम आ जाता,
इसलिए कहती जो महामंत्र है इसलिए इसका ज्यादा महत्व है, इसमें केवल भगवान की नाम ही है, इसमें और कुछ है ही नहीं, इसमें और कुछ नहीं केवल भगवान के नाम। और जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है कहते जितने मंत्र में, इसलिए इसको बताया महामंत्र। क्या बोला? महामंत्र मतलब क्या? महा मतलब होता है बड़ा, महान। मंत्र मतलब जगत में जितने मंत्र है सबसे बड़ा महामंत्र। कहते भैया मंत्र मतलब क्या होता है? कहते मंत्र मतलब होता है, कहते ना भैया कोई मंत्र मेरे को दे दो। हाँ ये हमारा काम सिद्धि नहीं हो रहा है, हमें कोई मंत्र दो तो तुम्हारे पास में कोई मंत्र होगा। मंत्र मतलब मिस्टिक पावर, उसमें हम मंत्र मतलब होता है जिसमें बड़े मिस्टिक पावर, बड़े अद्भुत जिसमें पावर है। कहते सारे मंत्र में तो शक्ति है लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र में कहते सबसे ज्यादा शक्ति है, सबसे ज्यादा शक्ति। भले ही जगत में रिद्धि सिद्धि वैभव जो कुछ प्राप्त कर लो, अनिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य, नाम सुने कि नहीं? उसमें इतने बड़ी बड़ी, इसमें बड़ी बड़ी सिद्धि है। हैं कहते अनिमा लघिमा, अनिमा मतलब होता है जैसे छोटे से छोटे हो जाओगे, जैसे हनुमान के पास में था कभी छोटे से छोटे। लघिमा मतलब जब इच्छा होता है दिखाया भयंकर रूप हनुमान जी अपना विशाल रूप। कभी पानी के ऊपर चल जाओगे एक साथ में हजार रूप धारण कर लोगे, सूर्य रश्मि को साथ में सूर्य पास में चले जाओगे, हैं जो खाना चाहोगे, हैं बैठ बैठ कर जो चाहोगे बढ़िया से बढ़िया खाना मिल जाएगा, इच्छा करते बढ़िया कपड़ा मिल जाएगा, जो कुछ देखना चाहोगे देख, मतलब वो अद्भुत अद्भुत शक्ति है अनिमा लघिमा, बड़े बड़े उसमें योग सिद्धि। लेकिन ये जितने मंत्र में ये सर्वश्रेष्ठ ये हरे कृष्ण महामंत्र। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण है, कहते कारण है ये महामंत्र में, ये मंत्र साक्षात भगवान को बसीभूत कर देता है। भगवान ये मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र साक्षात भगवान कृष्ण को, ये मंत्र भगवान ये मंत्र को द्वारा बसीभूत हो जाते हैं। हैं इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभो से बड़ा प्रभो का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभो से बड़ा प्रभो का, अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभो से बड़ा प्रभो का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभो से बड़ा प्रभो का नाम। इसलिए इसमें कहते हैं नामी को चिंता रहती है नाम ना हो बदनाम। नामी मतलब भगवान कृष्ण, उनको क्या चिंता रहता है? भैया मेरा नाम बदनाम नहीं होनी चाहिए। बोले द्रौपदी ने जब नाम फुकारा झट आ गए घनश्याम। कहाँ द्रौपदी? कहाँ? कहती ये भगवान द्वारका में है, ठाकुर द्वारका में। द्रौपदी हस्तिनापुर में जब उनकी वस्त्र हरण हो रही थी, द्रौपदी हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारी है कन्हैया, अभी तेरी सिवा जगत में हमारे कोई रक्षा करने वाले नहीं है, तू मेरी लाज बचाओ, तू मेरी लाज बचाओ। बोलते ही बस भगवान वस्त्र रूप में, भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। बोले क्यों? बोले नामी को चिंता रहती है, भगवान को ये चिंता रहती है भैया मेरे नाम बदनाम नहीं होनी चाहिए, मेरे नाम बदनामी नहीं होनी चाहिए। हैं इसलिए हरे कृष्ण जो महामंत्र कहती ये सबसे पहले किसकी मुंह से निकली? ये हरे कृष्ण महामंत्र को किसने उच्चारण किया है? बोलो कौन बोल रही है? हाँ इसके लिए ताली बजाओ। इसलिए कहते कि ये जो महामंत्र है ना, ये महामंत्र सबसे पहले ये राधा रानी कृष्ण विरह में, कृष्ण विरह में राधा रानी की मुंह से सबसे पहले ये महामंत्र राधा रानी की मुंह से सबसे पहले निकली है। हैं राधा रानी ने ये मंत्र उच्चारण की, और जितने भगवान के नामों में हैं सर्वश्रेष्ठ नाम ये
महामंत्र, इससे बड़ा मंत्र जगत में कुछ नहीं, जगत में इससे बड़ा नाम जगत में कुछ नहीं। सबसे बड़ा मंत्र भी है और भगवान की सबसे बड़ा नाम की महिमा में सबसे बड़ा महिमा है। मैं हर बार सुनाता हूँ ना, बोले एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती हैं, बोले भोले बाबा आप बताओ हम किसकी नाम ले, किसकी नाम जप करें। शंकर जी बोले पार्वती आराधना नाम सर्वे सांग विष्णुंग आराधना परम। जितने आराधना में भगवान विष्णु की जो आराधना पार्वती, ये सर्वश्रेष्ठ है। तभी ने माता पार्वती तब से 1000 विष्णु, हाँ 1000 विष्णु का नाम को पार्वती ग्रहण करती थी। कुछ दिन बाद में फिर शंकर जी बोले पार्वती भोजन लाओ, खाना लाओ, भोजन लाओ, प्रसाद ले आओ। पार्वती बोली प्रभु आपने बताया विष्णु सहस्त्र नाम करने के लिए समय तो लगेगा ना 1000 नाम लेने के लिए, आप बड़ी जल्दीबाजी करते हो, पहले भजन बाद में भोजन, पहले भजन उसके बाद में फिर भोजन है, इसलिए पहले तो भजन करने दो। बोले इधर आओ तेरे को और एक सरल नाम बताता हूँ जो कि कम परिश्रम में तुम्हें ज्यादा फल मिलेगा। बोले प्रभु बताओ क्या है, क्या बोले, बोले राम रामेति रमेति रम रमी मनोरमी सहस्रा नाम अभिस्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। मैया पार्वती बड़ी प्यारी है, मैया पार्वती बड़ी सुंदरी देखने में मैया पार्वती है, हैं बोले हे सुंदरी पार्वती है मृगनयनी, मृगनयनी जान तो हिरण का जैसे आँख है ना चंचल है, कहते स्त्रियों में ऐसे ऐसे जो आँख जो चंचल आँख ना इसको अच्छी मानी गई, इसलिए उसको मृगनयनी बताई है माता देवी। बोले हे मृगनयनी हे सुंदरी पार्वती जो राम का नाम में मेरा मन रम जाए, हैं मेरा मन राम के नाम में मन रम जाए। पार्वती जो 1000 विष्णु का नाम लेने से जो फल मिलेगा वही फल एक बार श्री राम नाम में मिल जाएगा। दुनिया तो यही चाहते हैं परिश्रम कम और माल ज्यादा मिले, हम चाहते ना परिश्रम कम हो इरो ज्यादा इरो मिले, इसलिए हाई बोले ठीक है। तभी से उन्होंने रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता जय रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता। तभी से माता पार्वती भगवान राम का नाम लिया करती थी, हैं। कुछ दिन बाद में फिर शंकर जी बोले पार्वती भोजन लाओ, बोले प्रभु आप बड़ी जल्दीबाजी करते हो, अभी भजन खत्म नहीं हुआ भजन की बात करते हो, अभी भजन पूरी होने दो। पार्वती शंकर जी बोले पार्वती इधर आओ तेरे को और एक सरल रास्ता बताता हूँ जिसमें परिश्रम कम और ज्यादा फल। तो उन्होंने क्या बोले, अब कोई श्लोक बोल सकते हो इसमें क्या श्लोक है, देखो ये जो श्लोक है ना इसको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना, क्यों राधा जी का नाम सर्वश्रेष्ठ है ये एक एक श्लोक है। मैं देखूंगा अगली बार ये सब श्लोक मेरे को कौन बोल पाती है, यू ऑल्सो ट्राई लर्निंग सम श्लोक एंड हु इज द वेरी यंग एज आई वॉन्ट हर्ड फ्रॉम टू यू त्रिवेदी सॉरी एंड हु इज द यंग एज यू नो वेरी क्विकली कैन लर्निंग श्लोक यू ऑल्सो ओके नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कमिंग देयर मे फॉर 4 or 5 श्लोक आई ट्राई लर्न फ्रॉम टू यू ओके Why one name to another name superior? Why? What is the evidence? You know, without evidence, this is not any proof. Not this, not value. So necessary. What is telling our scripture? Yeah. So necessary. You give some evidence. Why Radharani name is the superior? Why? Yeah. Next time. First I learn or hearing from you. Okay. So. There are 4 or 5 slok I try learning. Okay, Premavati, Premanandi. ठीक है मैं जिन जिनों का नाम I take who is your name when I come next time I want hearing from you. Because who is more old I don't want listening. But who is the if possible you can try learning there 4 or 5 slok and so who is the young age yeah I try to hear from to you. Okay.
वहां पर एक श्लोक है, बोले सहस्रा नाम नाम पुण्यानाम त्रिराबित्वा तु जत्फलम एक ब्रित्वा तु कृष्णस्य नामैक तद प्रजच्छति न चैतन्य चरितामृत चली। बोले सहस्र नाम नाम पुण्यानाम यूनो कहते जब जो भगवान जो विष्णु सहस्र जो नाम है, हैं विष्णु सहस्र नाम अगर तीन बार कोई विष्णु सहस्र नाम ले तीन बार, बोले 3000 बार कोई विष्णु सहस्र भगवान विष्णु का नाम ले, जो नाम लेगा है कहते जो फल उसको मिलेगा, बोले एक वृत्वा तो कृष्ण से नामिक तद प्रचति, अगर एक बार कोई केवल कृष्ण बोल देना उसको 3000 विष्णु नाम लेने का फल मिलेगा। मीनिंग एक कृष्ण नाम समान 3 बार राम नाम, बोले एक बार जब कृष्ण नाम बोल दिया तुमको 3 बार राम का नाम तुम्हारे लेना हो गया है, 3 बार राम का नाम लेना हो गया। इसलिए बोले पार्वती जो कृष्ण नाम है ये सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण नाम ये सर्वश्रेष्ठ कृष्ण नाम है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये पूर्ण ब्रह्म श्री ईश्वर, बोलो बोलो लाउडली, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम, हाँ हाँ विजय सबको पंडित बना दिया है। इसलिए कहते ये जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है, इसलिए कृष्ण से बड़ा जगत में कोई है नहीं, कृष्ण सर्वोपरि कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान ही पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है। इसलिए बोले भैया फिर तो कृष्ण का नाम लेनी चाहिए, बोले हाँ कृष्ण नाम लेनी चाहिए। तब से माता पार्वती कृष्ण नाम लेती थी, कुछ दिन बाद में फिर शंकर जी पार्वती को बुलाए, बोले पार्वती आज तेरे को एक रहस्य बात बताऊंगा, जो बात मैं कभी किसको पूछा कि कभी किसको बोला ही नहीं, बड़ा रहस्य बात है। हाँ बोले क्या रहस्य बात है, बोले कृष्ण नाम से भी एक नाम श्रेष्ठ है। बोले आप ही तो कुछ दिन पहले बताए कृष्ण से कोई बड़े नहीं, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण कौन है, पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण है, हैं इसलिए असमर्थ तत्व बताए, जिसको असमर्थ असमर्थ मतलब जिनके बड़े की बात छोड़ दो, जिनके बड़े की बात छोड़ दो, जिनकी बराबर भी जगत में कोई नहीं, इसलिए असमर्थ तत्व है भगवान कृष्ण, ये असमर्थ तत्व है। बोले आप ही तो बताए थे कृष्ण असमर्थ तत्व है, आप फिर बता रहे हैं, बोले कृष्ण से भी कोई बड़े हैं, बोले मैंने थोड़ी बताया, बोले ये तो कृष्ण स्वयं कहते हैं, कृष्ण ये स्वयं कहते हैं। बोले कृष्ण क्या बताए, देखो ये श्लोक लिख लो, बोले मम राइट दिस श्लोक, बोले मम नाम सतनापि, मम नाम सतनापि राधा नाम सदूतमम, राधा नाम सदूतमम ज करोति सदा राधा, ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा किमतम, इसका मतलब हो गया ना जाने राधा कृष्ण नाम सतनापि, कृष्ण नाम सतनापि कृष्ण नाम सतनापि राधा नाम सदुत्तमम जह करोति, जह करोति सदा राधा ना जाने बोलो उसके बाद में क्या बोला ना जा महिमा किमतम, ना जाने महिमा किमतम, ओके हरे कृष्णा। हाँ इसमें ये बताए अगर कोई व्यक्ति 100 बार कृष्ण का नाम ले ले, कितना बार 100 बार कोई कृष्ण का नाम ले, अगर एक बार केवल श्री राधा नाम ले ले, केवल एक बार श्री राधा का नाम ले ले, एक राधा नाम समान 100 बार श्री कृष्ण का नाम, ये कौन कह रहे हैं, ये कृष्ण। बोले किसको बोल रहे थे, बोले चंद्रमा को, कृष्ण स्वयं चंद्रमा को बताए, आर यू अंडरस्टैंड, दे आर नॉट गोइंग, हाँ
इसलिए कहती ये कृष्ण ये बात चंद्रमा को बताया है, ठीक है ना, कहती ये नाम बात चंद्रमा को कृष्ण स्वयं बताए। इसलिए फिर तो पार्वती बोली, प्रभु फिर तो आज से ना और कृष्ण कृष्ण नहीं बोलूंगा, आज से क्या बोलूंगा, क्या बोलेंगे, जोर से और जोर से, हाँ बोले आज से तो हम केवल राधे राधे ही राधे राधे नाम। शंकर जी बोले पार्वती इसमें भी एक रहस्य, बोले फिर क्या रहस्य, अब तो खुद बताया है कृष्ण नाम 100 बार लेने पर जो फल एक बार राधा जी का नाम से वही फल, फिर उसमें रहस्य क्या है। बोले देखो अगर तुम राधे 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 बोलोगे ना, कहते ना राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे भी आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, बोले राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे, राधा रानी मिश्रित स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्रित स्वाद है, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, बोले राधे 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 रट चले आएंगे भी। बोले बोले प्रभु आप तो बड़े कंफ्यूज में डाल दिए हो, अभी बताओ कृष्ण कृष्ण बोले ना राधे राधे बोले, कृष्ण कृष्ण बोले ना राधे राधे बोले। बोले देखो दोनों का नाम लो, राधा जी का भी नाम लो और श्री कृष्ण का नाम लो। बोले कैसे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अरे घर जोर से बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे मतलब राधा रानी और कृष्ण मतलब कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, इसलिए हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, इसलिए ये महामंत्र है। और यहाँ पर जो राम का जो नाम है, बोले किसका नाम है, कृष्ण का नाम, बोले राधा जी को साथ में रमण करती है राधा कृष्ण, इसलिए उनका नाम राम, इसलिए जो राम शब्द ये कृष्ण को ही लक्ष्य करता है, ठीक है ना। बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए गुरुदेव एक समय ये बात कह रहे थे, बोले ये जो महामंत्र है इसमें केवल भगवान का नाम और इसमें कुछ मिलावटा है नहीं, जितना बार भगवान का नाम लोग उतना ज्यादा ही लाभ ही लाभ है, जितना बार भगवान का नाम को ग्रहण करेंगे। इसलिए जितना सारे मंत्र में ज्यादा से ज्यादा क्या करनी चाहिए, माला में ज्यादा से ज्यादा ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोले श्री हरे कृष्ण महामंत्र की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आज हम लोग देखो परसों श्री राधा रानी जन्म लेने वाली है, है? राधा रानी परसों जन्म लेगी, इसलिए हम सोचा हम तो राधा रानी की कथा सुनते, क्योंकि राधा रानी की कथा सुनते सुनते ना क्या होगा, भगवान राधा रानी कथा को माध्यम से ही हृदय में प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान हृदय में कैसे प्रकट होते हैं, कथा को माध्यम से ही भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। अब देखना, अब जिसकी चिंता करोगे ना, जिसकी कथा सुनोगे, उसका प्रति तुम्हारी आसक्ति होगा, और जिसको आप ज़्यादा प्रेम करते हो ना, उसकी कथा में आपको बड़ा आनंद आएगा। जैसे एक लड़का लड़की को प्रेम करता है, एक लड़की लड़का का प्रेम करता है, आप देखना उसकी जब कथा होगा ना, तुम्हारे कान खड़े हो जाएगी। हाँ, बोले क्यों, आप उसको प्रेम करते हो, आप उसको प्रेम करते हो, इसलिए अभी हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी श्री राधा रानी की कथा सुनने के लिए। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिन की। हाँ ठीक है, महामंत्र थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है। हरे
बोले श्रीमती राधा रानी की जय। ओम ज्ञान दिव्यम दर्श ज्ञानांजन सलकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधाकरोचित पल्लव बल्लरी के राधा पदांक विलस मधुर स्थलिके राधांग जस मुखम खंगांग बलिके राधा विहार विभिने रमतांग मनो में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता इस सबको चरण में यथाजुग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। श्री नीलांबरी दीदी और मैया का नाम श्री जगत मोहिनी, आज इन्होंने सब भक्त लोगों को अपना घर में बुलाया, बोले आज हमारे घर में हरि कथा हो, घर में हरि कीर्तन हो, हैं। और विशेष करके आज श्री राधा रानी की हम कथा सुनेंगे। और राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी दयालु है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन भरणित चरिते। बोले राधा रानी कौन है? बोले करुणा कुरुमयी, बोले करुणा की जो समुद्र श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले वैदग्ध सिंधु रसमूर्ति कृपाइक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपाइक सिंधु श्री राधिके स्फुर तुम्हें रति के लिए सिंधु। जैसे सात समुद्र है, हैं, कितना समुद्र है? सात। कहते जो सात समुद्र, बोले इखु समुद्र, मदिरा की समुद्र, दूध की समुद्र, हनी की समुद्र, घी की समुद्र, हैं, जैसे सात समुद्र है, बोले राधा जी के अंदर में भी ये सारे समुद्र श्री राधा जी के अंदर में। बोले राधा रानी कौन है? बोले करुणा सिंधु, राधा रानी करुणा की समुद्र है। वात्सल्य सिंधु है, मतलब वात्सल्य की, वात्सल्य जानते कि नहीं, जैसे माताएं जैसे बच्चियों को जो प्यार करती हैं, वात्सल्य है। इसलिए मूल माँ कौन है? बोले श्री राधा रानी। जैसे श्री माँ बच्चों का गलती नहीं देखती है, बच्चों की गलती नहीं, बच्चे अगर आधा आधा बोली बोलते ना, तोतली तोतली पापा पापा मामा मामा बोले ना, मैया सुनकर बड़ी खुश होती, बोल देते हो लाला अभी हमारी पापा पापा मामा मामा बोल रहे। कहते उसी तरह राधा रानी हमारी माँ है, हैं, हम उनकी बच्चे हैं, हम उनकी बच्चे हैं। इसलिए राधा रानी हमारी कोई दोष नहीं देखती, राधा रानी हमारी अंदर में गुण को देखती है। इसलिए बोले करुणा कुरुमयी करुणा भरिते, राधा रानी करुणा की समुद्र है। देखो जब श्री रूप गोस्वामी भजन करने के लिए आए वृंदावन में, सारे राजपाट को छोड़ करके, सारे मंत्री को छोड़ करके, अरब खरब रुपया को उन्होंने दे करके जब भजन के लिए आए, हैं, भजन की एक विशेष गुण है, बोले क्या है? बोले जितने आप भजन करो ना, जितने भक्ति करो, जैसे किसी पेड़ में जितना फल होगा वो पेड़ झुकेगा, पेड़ कभी सीधा नहीं खड़ा होता है, पेड़ झुक जाती है। जिसको अंदर में जितने भक्ति आएगी, जितने भक्ति आएगी, अपने आप को दीन ही नहीं मानेगा। इसलिए राधा रानी कौन है?
कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ शक्ति लादिनी पराशक्ति, हाँ प्रेम की जो मूर्तिमान विग्रह राधा रानी। राधा रानी क्या कहती हैं, मेरे अंदर में तो प्रेम का एक गंध तक भी नहीं, कृष्ण का प्रति जो प्रेम है ना मेरी अंदर में तो इसकी प्रेम की गंध तक भी मेरे अंदर में नहीं है। कौन कह रही हैं, बोले श्री राधा रानी कहती हैं। इसलिए रूप गोस्वामी सोच रहे हैं मैंने सब कुछ छोड़ करके भजन के लिए आया, लेकिन अभी तक तो श्री राधा जी की मेरे ऊपर में कोई कृपा ही नहीं हो रही है, मेरे ऊपर राधा जी का कोई कृपा ही नहीं हो रही है राधा जी की। एक दिन श्री रूप गोस्वामी खाना पीना छोड़ दिए, बोले जब जीवन में भक्ति नहीं हो फिर ये जीवन धारण करके क्या लाभ है, जब जीवन में प्रभु की भजन नहीं हो धारण करके क्या लाभ है। लेकिन राधा रानी बड़ी दयालु, इतने में राधा रानी एक छोटी सी बालिका बन करके आ गई, बोले बाबा बाबा तो खाना क्यों नहीं खा रहे हो। बोले लाली मैंने इतने बड़ा राजपद को छोड़ करके भजने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी तक तो मेरे ऊपर में राधा जी की कोई कृपा ही नहीं हुई है, राधा जी कोई कृपा ही नहीं हो रही है मेरे ऊपर में। इतने में राधा रानी बड़ी मीठी मीठी बोली से बोलती, बोले बाबा जानते हो तुझे ये जो ब्रजवास कर रहे हो ना, जो वृंदावन वास कर रहे हो, ये राधा जी की कृपा है, राधा जी की कृपा नहीं होना कोई ब्रजवास नहीं कर सकते हैं, वही व्यक्ति ही ये ब्रजवास कर सकते हैं जिसको परमश्री किशोर जी की राधा जी की कृपा हो। उन्होंने बड़ी मीठी मीठी बोली से जब उन्होंने बोले ना, रूप गोस्वामी का हृदय तो भर गया, बोले क्यों, वो राधा रानी, वो स्वयं राधा रानी है, हैं राधा रानी स्वयं कह रही हैं, उनके हृदय तक एकदम भर गया प्रेम से, फिर तो वह प्रसन्न हो गए, हैं प्रसन्न हो गए। इसलिए जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब आपस आपस में हरि कथा कर रहे थे, अभी श्री रूप गोस्वामी के मन में इच्छा हुई बड़े भैया को खीर खिलाओ, इनको खीर बहुत पसंद है। राधा रानी ने क्या की, स्वयं राधा रानी दूध चावल किशमिश काजू चीनी मिश्री लेकर के खीर लेकर राधा रानी आ गई, बोले बाबा बाबा लो खीर बनाओ। बोले लाली तू चिंता मत कर, तू चले जा हम खीर बना लेंगे। लेकिन उनकी हरिकथा विश्राम नहीं हो रहा था, हरिकथा चलते जा रहा था, हरिकथा खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर राधा रानी फिर घूम घाम करके आती हैं, बोले बाबा बाबा तुम लोग कथा करो मैं खीर बना देती हूँ। राधा रानी स्वयं भक्त के लिए खीर बना कर जाती, राधा रानी स्वयं खीर बना करके राधा रानी जाती है। जब बड़े देर में इनकी कथा विश्राम हुई, अभी रूप गोस्वामी ने सोचा कोई एक लाली आई थी, बोले हमने खीर बना कर गई हूँ, सचमुच से देखा बड़ा सुंदर खीर है। तो उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग लगा करके श्री सनातन गोस्वामी को जब दिया, खीर तो जीवन में बहुत खाए हैं लेकिन ऐसे खीर कभी नहीं खाए। क्यों, खीर बनाया किसने, राधा रानी। भोग लगाया किसने, रूप गोस्वामी। लगाया किसको, बोले कृष्ण को। तब समझो वो खीर में कितने स्वाद नहीं होगा, खीर में कितना मिठास नहीं होगा खीर में। जब से रूप गोस्वामी खीर खाए ना, सनातन गोस्वामी जब खीर खाए उनके रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई। बोले वाह इतने सुंदर स्वादिष्ट खीर क्यों, राधा रानी को दुर्वासा जी ने वरदान दिया। बोले तुम्हारी हाथ अमृत हस्ता बनेगा, तुम जो कुछ तुम अपना हाथों से बनाओगी ना वो अमृत बनेगा, वो अमृत होगा, हैं ये वरदान है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा रूप तुमने मन में कोई सोच कुछ चीज सोचा था मन में। बोले हाँ भैया मैं तो सोच रहा था आप बड़े दिनों में आए हो इसलिए आपको थोड़ा खीर खिलाऊं। बोले रूप ये बताओ ये घना घोर जंगल है, कुछ है ही नहीं, जंगल ही जंगल है, यहाँ पर तुम्हारी मन की भावना को कौन समझे और कौन आ करके खीर बनाएगा। वो जो लाली आई थी ना वो लाली नहीं, वो स्वयं श्री राधा रानी, वो स्वयं श्री राधा रानी आई थी। खीर खा करके देख कितने स्वाद है इसमें, कितने मिठास है इस खीर में। इसलिए कहाँ राधा रानी की सेवा हमें करनी चाहिए और राधा रानी उल्टा हमारी सेवा करके गई है, हैं? इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु। इसलिए वृंदावन में जो भजन करने के लिए आते हैं ना,
राधारानी सबको स्थान देती है, सबको श्री राधारानी स्थान देती है। इसलिए आप वृंदावन में जाओगे ना, देखो कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलता है, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जोर से और जोर से, हाँ, वृंदावन में सब श्री राधा रानी की, सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। कहते भैया ये राधा है क्या चीज है, हम जो कहते राधे 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 राधे, कहते राधा है क्या चीज। हाँ, इसलिए श्री स्वरूप दामोदर कहते ये स्वरूप दामोदर कौन, बोले श्री ललिता सखी है। कहते ललिता सखी कौन है, बोले जितने सखियों में जो भगवान कृष्ण राधा कृष्ण की आठ सखियां हैं, कहते आठ सखियों में जो सबसे जो बड़ी सखी है श्री ललिता। सबसे पहले ललिता का नाम, ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी, पहले श्री ललिता का नाम आती है। ललिता ये सबसे बड़ी सखी श्री राधा रानी की ललिता, जब तक इनकी कृपा नहीं होगा ना अब राधा कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर सकते हो। हैं कितना ललिता विशाखादि जत सखी वृंद आज्ञाय करीब सेवा चरणारविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरे अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। इसलिए ललिता सर्वश्रेष्ठ सखी है, ललिता सखी है, जब तक इनकी कृपा नहीं होगा कोई भी राधा कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर सकता हो। हैं इसलिए कहते वही ललिता सखी कहते ये महाप्रभु की लीला में श्री स्वरूप दामोदर बन करके आए। जब स्वरूप दामोदर बन करके आए तो उन्होंने एक श्लोक उन्होंने बताए, भैया महाप्रभु कौन है, जगत में किस लिए आए और ये राधा रानी है कौन। एक श्लोक में कहते हैं बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात देखात्मना भुवि पुरा देह भेदौगत तौ चैतन्याख्य प्रकट मधुना तद्वयम चैकमाक्तम राधा भाव दूत सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। हैं ये श्लोक में कहते हैं भले भैया राधा है क्या चीज, हम जो राधे 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 जो कहते भैया राधा है क्या चीज, बोले राधा और कोई नहीं, बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति। मतलब है अगर कृष्ण प्रेम को हम कहते ना भैया कृष्ण प्रेम होनी चाहिए, हमें कृष्ण प्रेम आनी चाहिए, कहते अगर ये कृष्ण प्रेम को अगर एक मूर्ति रूप दोगे, कृष्ण प्रेम को एक मूर्ति रूप दोगे ना, कहते ये कौन है, बोले श्री राधा रानी। ये राधा नहीं, ये कृष्ण प्रेम का ही एक रूप धारण की है श्री राधा रानी। इसलिए गुरुदेव कहते थे कहते राधा रानी का दो रूप है, कितना रूप है, क्या 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 बोलो बोलो। हाँ कहते एक मूर्त और एक अमूर्त, ये चीज को समझो। मूर्त मतलब मूर्ति, जैसे देखो राधा रानी खड़ी है ना, कृष्ण की बाम तरफ में श्री राधा रानी खड़ी है, हैं इसको कहते हैं मूर्ति, इनको मूर्ति हम कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मूर्त रूप है, हैं राधा कहते राधा रानी ये मूर्त रूप है। कहते इनका और एक स्वरूप अमूर्त, अमूर्त मतलब जो मूर्ति नहीं, बोले भैया वो क्या चीज है। तो गुरुदेव इसका उदाहरण दिया, भैया जो हम कहते हैं राधा जी कृष्ण प्रेम वो क्या है, तब उन्होंने उदाहरण दिया जो भक्ति का जो सबसे पहला जो सीढ़ी है श्रद्धा, क्या नाम है श्रद्धा। जैसे हमारी अंदर में श्रद्धा है तभी तो इतना दूर तक आए हो, अब सबके सब आज ऑफिस गए हुए होंगे, है ना, सबके सब ऑफिस गए हुए होंगे, आठ घंटा दस घंटा काम किए होंगे, फिर सवेरे उठ कर गए होंगे, हैं सवेरे उठ करके किसी तरह से थोड़ी सी नाश्ता लेकर के आप गए होंगे, किसी ना किसी तरह से आठ दस घंटा काम किए होंगे, किसी ना किसी तरह से थोड़ा खाना खाए, फिर चलो नीलावरी घर में कथा होगी, चलो भागो, हाँ फिर भागो, फिर भागा भाग करते 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 फिर यहाँ पर आए, वहाँ भी आठ घंटा काम, फिर यहाँ भी चार घंटा, हाँ फिर यहाँ पर भी चार घंटा कीर्तन हरिकथा, हैं
कीर्तन हरि कथा में यहाँ पर भी तीन चार घंटा बिताओगे, क्यों आए हो? श्रद्धाए। इसलिए भक्ति का पहला सोपान श्रद्धा है, इसलिए भक्ति यही से शुरू हुई है, श्रद्धा है। और आप लोग इतना कष्ट कर रहे हो ना, सब राधारानी देख रही, कृष्ण सब देख रहे हो, सारी चीज को देखो। दुनिया में जैसे आप कुछ अपना बीवी के लिए कुछ करो, पति अगर बीवी के लिए कुछ करता है, बीवी अगर पति के लिए कुछ करता है, खुश हो जाता कि नहीं? अगर पति पत्नी बोले मेरे लिए इतना बढ़िया साड़ी ले आओ, अगर पति ले आएगा खुश हो जाएगा कि नहीं? बीवी खुश हो जाएगी ना, अरे देखो मेरे कितना प्रेम मेरे लिए साड़ी। उसी तरह यहाँ पर भी बैठ करके हम लोग जो कृष्ण कथा राधा रानी की कथा कर रहे हैं, वहाँ पर भगवान बैठे वो सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, क्या देखो मेरी कथा बैठी बैठी करे मेरी कथा सुन रहे हैं, इतने परिश्रम करके आए, फिर यहाँ पर दो दो तीन तीन घंटा बैठी करके मेरी कथा सुन रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी सब हमारी चीज़ को देख रहे हैं, सारी चीज़ को एक एक करके ठाकुर जी देख रहे हैं। और ये दुनिया वाले हमें कुछ देने वाले नहीं, ठाकुर जो देगा है ना छप्पर फाड़ करके देंगे। जब ठाकुर देते नहीं, जब ठाकुर देते हैं छप्पर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं। और ठाकुर जो देगा ना ये दुनिया में हमें कोई भी नहीं दे सकता है, दुनिया तो बेईमानी है। भले दुनिया के लिए जितना कुछ कर लो ना, हम जो कुछ करते हैं ना दूसरे के सुख के लिए है ना, दूसरों कैसे पत्नी को सुख करे, कैसे पति को सुखी करे, बच्चे को सुखी करे, इसलिए हम सब के सब करते हैं। लेकिन अभी तक आपके ऊपर में कोई खुश हुए हैं? आप बताओ अभी तक कोई आप खुश कोई खुश हुए तुम्हारी ऊपर में? अभी दुनिया में कोई खुश हुए तुम्हारी ऊपर में? बदनामी देंगे, बदनामी जगत पूरा जीवन भर की हो, इतने थोड़ी सी गलती हो जाए ना बस बोले तुम हमारे लिए क्या किए हो, हमारे लिए क्या किए हो। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, उनके लिए इतना करो ना हमारे लिए उतना करेंगे, भगवान के लिए इतना करो हमारे लिए इतना करेंगे ठाकुर जी हैं। इसलिए यहाँ पर कहते श्रद्धा, भक्ति का पहला जो सोपान श्रद्धा, फिर श्रद्धा के बाद में फिर साधु संग, फिर हरि कथा सुन रहे हो, उसके बाद में फिर जब हम समझ में आया हम कौन है, बोले जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान की नित्य संतान है, फिर क्या करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। जब करेंगे फिर क्या होगा? फिर अनर्थ निवृत्ति होगा, हृदय का सारे काम क्रोध अनर्थ निवृत्ति, जितने अपराध असत तृष्णा ये सब खत्म होगा। उसके बाद में रुचि आएगी, फिर निष्ठा आएगी, फिर भाव होगा, फिर प्रेम है, फिर यही प्रेम बढ़ते 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 बढ़ते, फिर प्रेम ऊपर बढ़ते बढ़ते राग, फिर अनुराग, फिर भाव और महाभाव। ये प्रेम बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा? बोले महाभाव तक जाएगा। महाभाव मतलब संपूर्ण कृष्ण प्रति जो संपूर्ण प्रेम है, जब संपूर्ण उसी में ही हम डूब जाएगी संपूर्ण है डूब जाए। इसलिए कहते ये जो महाभाव है, कहते यही भक्ति बढ़ते बढ़ते जो महाभाव तक रूप धारण किया, कहते वो कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। मतलब कृष्ण प्रेम ही जब एक मूर्ति रूप धारण करती है ना, ये श्री किशोर जी श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की। कहते मतलब भूभी पूरा देह भेदो गतो तो, बोले भैया राधा कृष्ण है कौन? कहते ना राधा कृष्ण कौन है? हाँ कहते इसलिए भगवान कृष्ण को वेद में बताया, भगवान कृष्ण को कहते एकमेव अद्वितीयम, एक है वो अद्वैत ज्ञान पर तत्व, असमर्थ तत्व, जिनसे कोई बड़ा नहीं, जिसका कोई इस बराबर भी जगत में कोई नहीं, वो अद्वैत ज्ञान पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है। ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन ये कृष्ण है, हाँ ये असमर्थ तत्व है। लेकिन कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में, एक समय कृष्ण गोलोक वृंदावन में श्री कल्प वृक्ष के नीचे कृष्ण खड़े हैं, अकेले कृष्ण खड़े। जब अकेले कृष्ण खड़े, अभी कृष्ण तो रस स्वरूप है, भगवान कृष्ण आनंद स्वरूप है, भगवान कृष्ण प्रेम स्वरूप है, हैं? इसलिए कृष्ण खड़े हैं, अभी कृष्ण की इच्छा हो रही है, जैसे अकेले अकेले घर में रहते हो, फिर शादी करने की शादी करते कि नहीं? फिर अकेले अच्छा नहीं लगता, निकल शादी करो, फिर उसको बाद में फिर शादी हो गया, बोले भैया घर में बच्चे होनी चाहिए, घर में हमारी बच्चे होनी चाहिए। कहते उसी तरह अभी कृष्ण सोच रहे हैं हम अकेले हैं, लेकिन अकेला अकेला आनंद थोड़ी आएगा, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं मैं
बहु रूप में विस्तार हूं, मैं लीला करूं। हाँ, मैं लीला, भगवान लीला स्वरूप, प्रेम स्वरूप, लीला करना ही उनकी स्वभाव है। अभी कृष्ण लीला करना चाहते हैं, इतने में जब कृष्ण अकेले थे, कल्प वृक्ष नीचे खड़े हुए थे, जब उनकी इच्छा हुई, बोले एक अपि बहु श्याम, और एक से बहु हुए। बोले कैसे? इतने में कृष्ण का जो वाम अंग भड़कना शुरू किया, कंपन होना शुरू किया, कंपन होते 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 कृष्ण की वाम अंग से एक बड़ी सुंदरी, अद्भुत, मानो विश्व ब्रह्मांड का जितने सारे तेज पुंज है, सारे तेज को, सुंदरता को लेते हुए कृष्ण की वाम अंग से एक किशोरी प्रकट हुई। हैं, किशोरी प्रकट हुई, इसलिए उन्होंने प्रकट हुई कहां से? बोले वो रास मंडल था, अभी रास मंडल से वो प्रकट हुई, इसलिए पहला नाम हो गया रा। हैं, फिर वो प्रकट होकर के सुंदर सुंदर फूलों को चयन करते हुए, पुष्पों को चयन करते हुए तोड़ करके, फिर उन्होंने कृष्ण सेवा के लिए धावित, धावित मतलब होता है दौड़ना, कृष्ण सेवा के लिए दौड़ी, इसलिए इनका नाम पड़ गया राधा। क्या नाम पड़ गया? राधा। कहते राधा मतलब क्या होता है? बोले रा मतलब होता है भक्ति, और धा मतलब हर जीवों को जो भगवान की भक्ति देने वाले, भगवान की प्रेम को देने वाले कौन है? श्री राधा रानी। बोले राधा का और मतलब क्या? राध वृधौ, राधा ये संस्कृत शब्द है, इसका एक मूल शब्द राध शब्द है। बोले इसका मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि मतलब होता है बढ़ना। बोले जिसकी प्रेम हर समय बढ़ती रहती है, इतने बढ़ती रहती है, कृष्ण को देखकर राधा जी का प्रेम बढ़ती है, और राधा रानी को देख करके ना फिर कृष्ण प्रेम बढ़ती है, दोनों है ना, दोनों को देख करके दोनों बढ़ते रहते हैं, बढ़ते 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 एक स्थिति आएगी ना जहां पर जा करके बंद हो जाएगा। लेकिन राधा रानी की प्रेम ऐसे है, अंतिम छोर मतलब बढ़ते बढ़ते अंतिम समय तक पर गए, लेकिन उसको ऊपर में भी राधा रानी का प्रेम बढ़ती रहती है, मतलब कभी राधा जी का प्रेम खत्म नहीं, वो हर समय कृष्ण जाकर फेल हो जाता है कि जगह पर, उनको प्रेम और बढ़ती नहीं, लेकिन राधा रानी का प्रेम है कहते वृद्धि होते 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 बढ़ते बढ़ते जाती है। कहते विभु रपि कलयन, मतलब विभु होते हुए भी कहते कलयन, कहते हर समय ये प्रेम बढ़ती जाती है, इसलिए राधा मतलब होता है हर समय बढ़ती जाती जो प्रेम। और राध साध संसिधौ, राधा का एक अर्थ होता है संसिधौ, मतलब जीवों को जो भगवान की सिद्धि प्रदान करने वाली, जीव को ऊपर में भगवान की प्रेम को प्रदान करने वाली राधा रानी, इसलिए इनकी कृपा के बगैर कृष्ण भक्ति हमें नहीं मिलेगी, राधा जी की कृपा से ही हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होएगी, इसलिए इनका नाम श्री राधा। कहते ये क्या दो है? बोले नहीं, वो दो नहीं, वो एक ही है, वो एक है, लेकिन ये एक होते हुए भी वो दो है, लेकिन वो दो होते हुए भी वो एक है, दो होते हुए भी एक, और एक होते हुए भी दो। तो उन्होंने दो उदाहरण देकर समझाया, जैसे दिया जलाते हो, कभी घर में दिया जलाते हो, जैसे यहाँ पर मोमबत्ती का दिया जला रही, मोमबत्ती है ना, जैसे दिया जलाते हो, देखना दिया में दो तरफ में दो दिया होता है, लेकिन बीच में एक जगह पर घी होता है, नहीं तो तेल, एक जगह पर तेल है लेकिन दो तरफ में दो दिया जलती है, लेकिन तेल किया वो एक ही जगह पर, तेल तेल एक ही जगह पर, लेकिन उसमें दो दिया जल रही है, ऐसे ही वो दो नहीं, वो एक ही है, लेकिन वो एक होते हुए भी दो रूप में, राधा कृष्ण रूप में प्रकाशित। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे कमल का फूल है, हैं, जैसे उसका जड़ एक ही है, जड़ एक है, जड़, लेकिन एक जड़ से वो दो फूल निकले, जड़ एक ही है, समझ रहे हो, रूट एक ही है, लेकिन एक रूट से उसमें ऐसे कर दो फूल निकले, वो कौन है? एक राधा और एक कृष्ण। इसलिए बोले जापी राधा सापी कृष्ण, जा राधा कृष्ण एवस एक ज्योतिंग दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम। कहते जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, बोले एक ज्योति दिधा भिन्न, बोले जो एक ज्योति उसने दो रूप में प्रकाशित हुए, कौन? श्री राधा और ये कृष्ण रूप में ये प्रकाशित हुए श्री राधा कृष्ण है। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की।
बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते जब तक श्री राधा जी की कृपा नहीं होना तब तक श्री कृष्ण का कृपा नहीं होता है। राधा जी की कृपा होगा तो कृष्ण कृपा अपनी आप, कृष्ण कृपा अपनी आप हो जाएगी। पहले राधा जी की कृपा उसके बाद में कृष्ण कृपा। इसलिए कृष्ण कृपा इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसलिए श्री कोई एक कोई हाँ इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले राधिकार दासी जदी हाय अभिमान से कृष्ण किसको जल्दी जल्दी मिलेंगे बोले कृष्ण उसको जल्दी जल्दी मिलेंगे बोले राधिकार दासी यदि हाय। अगर किसका ये अभिमान हो जाए हम किसकी दासी हैं, किसकी दासी हैं, श्री राधा रानी की दासी। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी अगर आपको पूछा जाए ना ध्यान देकर सुनो कहते आपको पूछा जाए बोले बताओ तो कृष्ण तुम्हारे साथ में कृष्ण का क्या संबंध है। कहते भैया हमारे कृष्ण के साथ में तो कोई डायरेक्ट का संबंध है ही नहीं, हमारे जो डायरेक्ट का संबंध है ना श्री राधा रानी को साथ में, किसको साथ में, राधा जी को साथ में। हाँ इसलिए कृष्ण को साथ में संबंध है चूंकि जो कृष्ण है ना ये राधा रानी का प्रियतम लगते हैं, राधा जी की ये प्रियतम लगते इसलिए कृष्ण को साथ में संबंध है। लेकिन जो डायरेक्ट हमारी संबंध है श्री राधा रानी को साथ में हमारी डायरेक्ट संबंध है। कहते अगर किसके अंदर में अभिमान आए हम राधा रानी की दासी है फिर तो कृष्ण उसको जल्दी से जल्दी श्री श्याम सुंदर को जल्दी जल्दी मिल जाएंगी। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं राधा पद छाड़ी जे जन से जन जे भाव से भाव था कि अमित राधिका पक्ष पाति सदा कभू नाही हरि तके। देखो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कहते जो व्यक्ति राधा पद छाड़ी अगर राधा रानी की चरण को छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति जे भावे से भावे था के भले जिस भावे से भाव रहे लेकिन भैया हम तो श्री राधा रानी के पक्ष लेने वाले हैं, हम तो राधा जी की सुख में सुखी और राधा जी के दुख में दुखी है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं भले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत् अटबिम असंभाष्य तद्भाव गंभीरचिता कुतः श्याम सिंधुरस श्याम गाव। इसका मतलब है अगर कृष्ण भक्ति रस में अगर कोई डूबना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति रस में कोई सराबर होना चाहते हो वो कहते तीन चीज पहले लाओ फिर तो कृष्ण भक्ति मिलेगा, नहीं तो भैया कृष्ण कृष्ण बोलोगे ना कृष्ण नहीं मिलेंगे। जैसे कृष्ण तीन जगह से टेढ़े है ना, कृष्ण तीन जगह से टेढ़े है, उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी है। हाँ इसलिए एक भजन है बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया गोकुल तेरी टेढ़ो वृंदावन टेढ़ो रे टेढ़ी तेरी जसोदा डोकरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। बोले कृष्ण का सब टेढ़ा है, उनका गोकुल भी टेढ़ा, उनका देखना भी टेढ़ा, वो भी तीन जगह से टेढ़े, उनकी जमुना भी टेढ़ी, उनकी गली भी टेढ़ी, बोले मैया भी टेढ़ी, सब टेढ़े टेढ़े। कृष्ण सब तीन जगह में मांगा, कृष्ण टेढ़े टेढ़े, इनकी भक्ति भी टेढ़ी है लेकिन जो राधा रानी है ना वो बड़ी सीधी सादी, राधा रानी बड़ी सीधी सादी। इसलिए राधा रानी जल्दी कृपा कर देती है जीवों के ऊपर, राधा रानी जल्दी कृपा कर देती है, राधा रानी हर समय, राधा रानी की आंखों से अश्रु बहती रहती है, राधा रानी की आंखों से अश्रु बहती। बोले क्यों, कहते जगत में जीवों का दुख को देख करके जैसे माँ है, जैसे माँ कब खुश रहती है, जब बच्चे खुश रहे। अगर बच्चे दुखी है ना माँ खुश नहीं रहती है, बच्चे अगर सुखी रहे पिता माता सुखी रहते, मेरा बच्चे बढ़िया सेटअप है, बच्चे ठीक ठाक काम है,
और बच्चों को सुख में सुखी, बच्चों का दुख में दुखी। इस तरह राधा रानी हमारी कौन, ये माँ है, इसलिए आंखों से हर समय इनकी आंसू की झरी बहती। बोले क्यों? बोले हमारी दुख को देख करके, हमारी दुख को देख करके कब इनकी उद्धार हो, कब कृपा करो। इसलिए राधा रानी ने क्या की, उन्होंने कृपा करके श्रील प्रभुपाद को भेजे। किसको भेजे? श्रील भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को भेजे। बोले ये प्रभुपाद कौन है? बोले राधा रानी की नयन मणि मंजरी है। राधा रानी की जो आंख है, जो मणि है ना, पुतला है, वही पुतला ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद में रूप में आए। आए तब भी राधा रानी दयालु माँ है। कभी आप सोच सकते हो हॉलैंड में यहाँ बैठी करके और श्री हैं जगत मोहिनी और नीलांबरी घर में 7-12 मंजिली के ऊपर में और यहाँ पर बैठ करके कभी हम हरि कथा सुन सकते हैं, राधा रानी की कथा भगवान, कभी सोच सकते हो? कभी सोच से बाहर है ये, किसकी कृपा से? बोले राधा रानी की जो नयन मणि मंजरी, उनकी जो आंख है करुणा कुरुमयी करुणा भरिते हैं, कृपा दृष्टि कर प्रभु जगत प्रति, उनकी कृपा दृष्टि ही प्रभुपाद रूप में आए राधा रानी की, तभी हम यहाँ बैठ करके हरि कथा राधा रानी कथा कृष्ण कथा तभी सुन रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद श्री राधा रानी की ही ये कृपा है। इसलिए कहते भैया अगर कृष्ण भक्ति पाना चाहे तो 3 चीजें लाओ। बोले क्या है? बोले पहला है अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु। जब तक श्री राधा रानी की चरण की धूल का आश्रय नहीं करोगे, पहला चीज। दूसरा चीज, जब तक राधा रानी की चरण के द्वारा अंकित जो वृंदावन धाम है, जब तक वो धाम का आश्रय नहीं करोगे। और जगत में सबसे बड़ी जो चीज है राधा रानी की भक्ति रसों में जो सराबर हुए जो साधु है संत है, जब तक उनकी चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करोगे ना, भले भैया जितने कृष्ण 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 बोल दो हैं, तब तक कृष्ण की कृपा नहीं होएगी। कृष्ण कृपा तभी होगी जब श्री राधा जी की चरण को आश्रय ग्रहण करेंगे, राधा जी की चरण को आश्रय लेंगे, तभी हमें कृष्ण भक्ति मिलेगी। इसलिए यहाँ पर श्री स्वरूप दामोदर कहते वही कृष्ण ही कलियुग में उन्होंने क्या किया, राधा जी की प्रेम की इतने महिमा राधा जी की प्रेम में, आप और हमारी बात छोड़ दो, पहले जीव की बात छोड़ दो, भगवान भी कृष्ण जो रस स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप, वो भी राधा रानी की प्रेम की था नहीं पाए, राधा रानी प्रेम को समझ नहीं पाए। इसलिए उन्होंने कलियुग में वही राधा रानी की प्रेम को आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण कलियुग में श्री सचिनंदन गौर हरि रूप में श्रीमन महाप्रभु रूप में जगत में आए और हमें भी राधा रानी के प्रेम को प्रदान किया है। बोले यदि गौरांग नहीं तो तबे की है तो केमन धरिताम देहे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो कोई, अगर महाप्रभु नहीं आते ना राधा रानी की महिमा को हम समझ नहीं पाते। इसलिए राधा रानी का अनंत कथा है, कल तो कहीं प्रोग्राम नहीं है ना, ठीक है, अभी अब दो चार दिन राधा रानी की कथा सुन लेंगे, ठीक है, दो चार दिन राधा रानी कथा सुन लेंगे, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होगी तो राधा रानी कथा। इसलिए राधा रानी हम सबको ऊपर में कृपा करे, अभी राधा रानी तो कृपा बहुत दूर है, पहले गुरु जी की कृपा हो, वैष्णव का कृपा हो, हैं गुरु वैष्णव इसलिए प्रभुपाद का कृपा हो, तभी फिर राधा रानी का कृपा, फिर हम कभी राधा रानी की कृपा हमें मिल सकती है। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की, जय श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है प्रभु जी, और सुनेंगे नहीं? नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ ठाकुर जी की आरती कर देते, ठाकुर जी आरती कर लो।